बीएससी पार्ट सेकंड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप घर पर बैठे बैठे मोबाइल में, लैपटॉप पर ये वीडियो क्लासेस देख पा रहे होंगे और बखूबी से उनको लर्न करने होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और उनको एग्ज़ाम की तैयारी में आप देख रहे हो। मैं कुछ आप लोगों में व्यूज़ को देखकर सुस्ती सी लग रही है पढ़ने में। आपको दिवाली लगभग आने वाली है, दशहरा परसों है, तो दशहरे की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विजयी हों अपने मकसद में, अपने इरादों में, आपके पास बहुत लक्ष्मी आए, धन आए, समृद्धि हो, ऐसी मेरी आपको और आपके सभी परिवार में सदस्यों को शुभकामनाएं हैं। मैं आपको इस समय टेंसर का टॉपिक लिए हुए हूं और टेंसर आप देख पा रहे हो, टेंसर इतना इजी नहीं है, टेंसर में काफ़ी कठिनाई है। टेंसर एक्चुअली जब आप एमएससी में पढ़ोगे, आप एमएससी अगर यदि आपको फ्यूचर में मैथमेटिक्स से करनी हो तो उस वक्त एक पेपर चलता है टेंसर का। तो एमएससी की चीज़ आप पढ़ रहे हो सेकंड ईयर में फिजिक्स में, तो अपने आप में थोड़ी सी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जब तक आप नहीं जमाएंगे, फोकस्ड नहीं रहेंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी पीछे के वीडियो से, तब तक इनको प्राप्त करना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए मेरे हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे सारे वीडियोस को पीछे के क्रम से डेट वाइज देखें तो आपको कहीं किसी से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसी क्रम में मैं आज आपको टेंसर्स के बारे में कुछ और गुणधर्मों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ। लास्ट टर्म पर मैंने मीट्रिक टेंसर बताया था, आज मीट्रिक टेंसर का इन्वर्स क्या होता है और दो टेंसर्स का आंतरिक गुणनफल क्या होता है और दो मैट्रिक्स का बाह्य गुणनफल क्या होता है। अब तक आपने केवल पढ़ा है गुणनफल, एक गुणनफल भी दो प्रकार का है, आंतरिक गुणनफल और बाह्य गुणनफल। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, आइए। यस, लास्ट टर्न पर मैंने आपको दिखाया था, ये डेरिवेशन किया था GIJ, ये मैट्रिक टेंसर होता है और ये जी, ये एस फ्रेम में है जी म्यू न्यू, और ये एस डैश फ्रेम में है और जी म्यू न्यू, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। मानो कि ये दो रैंक का टेंसर हो, इसलिए इसको दूरिक प्रदेश द्वितीय कोटि का सह प्रदेश कहते हैं। अब इसका GIJ का संयुग्मी व्युत्क्रम निकालने जा रहे हैं। तो GIJ का मतलब क्या होता है, GIJ का सहगुणक। सहगुणक क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोई आपकी मैट्रिक्स है IJK और ये AX, AY, AZ, ये है BX, BY, BZ। तो सहगुणक जैसे निकालना है आपको, तो I का सहगुणक क्या, इसको हटाएंगे, बाकी जो चार एलिमेंट बचेंगे ये क्या कहलाएगा, सहगुणक। ऐसे J का, तो किसी भी एलिमेंट का सहगुणक अपन निकालना जानते हैं मैट्रिक्स में। तो GIJ क्या है, इस GIJ का कॉम्प्लेक्स इनवर्स। तो GIJ बराबर क्या होगा, GIJ का सहगुणक या GIJ बटे G। G इज वॉट, G इसका मैग्नीट्यूड है, जो अपना मीट्रिक टेंसर है उसका, मीट्रिक जो प्रदेश है उसका मान। क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी सारणिक के गुणधर्म से क्या होता है कि उसका, उसके जो सहगुणक होता है और वो जो एलिमेंट होता है उसको गुणा कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो क्या किसके बराबर आ जाता है, सारणिक के मान के बराबर आता है, उसी प्रॉपर्टी से बराबर जी। GIJ का GIJ को यहाँ ले आएंगे और मगर JIJ जैसे इसको K कर देंगे तो इसका मान जीरो आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो अपन देखते हैं वो क्या होता है कि GIJ का मान, इसको नया नाम दे दें अपन, डेल्टा ड्रैग डेल्टा फंक्शन, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन IK, और ये इसके बराबर इसको व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। अब अपन देखने जा रहे हैं कि टेंसर्स का बाह्य गुणनफल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि
जैसे ये एक टेंसर है जो आप देख रहे हैं, ये जे आई बी के, ये दो रैंक का है, ये एक रैंक का टेंसर है बी वाला, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो आपको चीज़ प्राप्त होगी दोनों गुणा से, वो जो राशि प्राप्त होती है वो भी एक टेंसर होती है, और उसका जो कोटि मिलेगी आपको वो तीन की मिलेगी। एक जैसे दो रैंक का ये है, एक का ये, तो ये मिलेगा आपको, कोई नया टेंसर मिलेगा, इसकी कोटि कितनी होगी, तीन, आई, के और जे। तो इसको बोलते हैं बाह्य गुणनफल। अब अपन जो लेने जा रहे हैं वो जो पढ़ने जा रहे हैं कि संकुचन क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। अगर कोई मिक्स टेंसर आपको दिया हुआ है और उसमें कॉन्ट्रावेरियंट और कोवेरियंट टेंसर की रैंक को समान कर दें, इंडिसेस को समान कर दें, तो मिक्स टेंसर की जो रैंक होती है वो दो से कम हो जाएगी। जैसे इस बात पर नहीं जाएं अपन, आप सिर्फ ये देख लें कि ये अपना कोई टेंसर लिया आपने, कोई मिक्स टेंसर है, ये एस फ्रेम में है और ये किस में, एस डैश फ्रेम में। जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आई जे के एल, आई के संगत पी है, जे के संगत क्यू है, के संगत आर है और एल के संगत क्या है, एस। आई जे के एल और यहाँ लेके पी क्यू आर एस, ऑलवेज आप डिफाइन कर लें कोई सी चीज इस तरीके से, ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर आपको पहले सोच लो, आपका आई की संगत पी लिया हुआ है, जे की संगत क्यू है, के की संगत आर है, एल की संगत एस है, ये आप सोच के रखेंगे। अब इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो पहले आप जैसे पी का जैसे चेंज करेंगे, आप आर को चेंज किया आपने, तो आर के साथ ये आएगा के, आर के साथ क्या ले रखा है के, तो के यहाँ आएगा एक्स के, क्लियर। फिर एस के साथ ये आ जाएगा, पी के साथ ये वाला पद आएगा, क्यू वाला पद ये आएगा। तो इन पदों में आप इसको जो परिभाषा आपको बताई है, जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखें जो सबसे पहले वीडियो में सब सिखाया था, तब ये आप कर पाओगे। तो ये यानी इस एस फ्रेम का जो अपना टेंसर है जिसकी रैंक चार है, आई जे के एल, इसको आप किसी दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो रूपांतरण समीकरण को व्यक्त कर रहा है ये पूरा समीकरण, यहां से लेके यहां तक, क्लियर। अब इसमें यदि जे का मान एल के बराबर कर दें, एक कॉन्ट्रावेरियंट एल और एक कोवेरियंट जे दोनों को बराबर करने जा रहे हैं, तो देखेंगे क्या होता है। जब आप इसको बराबर कर दोगे, जे जे बराबर एल ले रहे हो आप, जे का मान जे कहां पर है, यहां पर, ये रहा, जे बराबर एल लिख दो, एल ये लिख दिया। अब ये एल पहले से पड़ा हुआ है, ये एल से एल ये वाला पद कट गया। जब पद कट गया तो आप ये देख पा रहे हैं, जब ये पद कट गया तो क्या बचा, ये वाला बार वाला और ये वाला बार वाला, ये इसके नीचे लिख दिया आपने, इसके जो रिमेनिंग दोनों माने ये यहाँ रख दिए। अब ये औरों से भिन्न है, आप देख पा रहे हैं, औरों में क्या होता है, एक ही बार होता है, दूसरे बार नहीं होता। यहाँ इस राशि को क्या बोलेंगे अपन, क्रोनिका डेल्टा क्यू एस, क्यू एस, ये वाला पद अलग है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी बार है और यहाँ भी बार है, इसमें क्या है, केवल यहाँ बार होता है। तो इसको क्यू एस, क्यू नीचे और एस ऊपर, ये लिख दिया। अब इसका मान एक होता है कब, जब एस बराबर क्यू हो, तो एस बराबर क्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ एस दिख रहा है पूरे समीकरण में वहाँ वहाँ क्या लिख दो आप, जैसे आप देख पा रहे हैं क्यू एस बराबर क्यू, एस का मान क्यू के बराबर आप लिख देंगे, ये लिख दें क्यू, क्यू के बराबर लिख दोगे आप, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं कि जैसे क्यू रखोगे तो ये एक हो गया और ये एक, दो पद बचे और ये। अब इन पदों, इन दोनों पदों को देखकर ये पहचान में करोगे आप कि ये दो रैंक का टेंसर है, दो रैंक का टेंसर है। मतलब क्या हुआ कि, मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर, यहाँ पर ये पी और आर किसी काम का नहीं है, ये क्यू क्यू कोई मतलब नहीं है एल, क्योंकि ये जो राशि है आर और पी के लिए है, आप देख पा रहे हैं ये आर और पी के लिए है, तो यहाँ के बच्चे का आई के। तो आप क्या, आपने क्या देखा, अतः मिक्स टेंसर की जो रैंक है, दिया गया जो मिक्स टेंसर है उसकी जो रैंक है वो पहले चार थी, अब कितनी हो गई, दो से कम हो गई, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रावेरियंट और एक कोवेरियंट इंडिसेस को बराबर किया तो रैंक दो से कम हो जाती है, दो से ये क्या हो गई, कम। तो इस तरीके से जो आप जो देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन करना, क्लियर। अब एक लेते हैं प्रॉब्लम, आपको सिखा रहे हैं इस प्रॉब्लम में, आप देखिए ये प्रश्न आता है, एक बी आई टेंसर है, एक सी जे टेंसर है,
ठीक है, दोनों कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हैं, और ए आई जे एक कोवेरिएंट टेंसर दिया हुआ है, ये वाला ए आई जे। तो सिद्ध करो ए आई जे, बी आई और सी जे निश्चर राशि होगी। तो बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं। आप सबसे पहले किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें पाएंगे। आप पी के संगत आपने आई लिया हुआ है, क्यू के संगत जे लिया हुआ है, आर के संगत के लिया हुआ है, ये आप डिफाइन कर लें पहले से, पी क्यू आर के संगत आई जे के। अब जैसे ए आई जे आपने यहां ले लिया, तो यहां क्या लोगे, पी क्यू, क्लियर, ये क्या है पी क्यू। तो इसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप यूं समझेंगे, तो क्या आएगा पी वाली राशि और क्यू वाली राशि, ये आ गई दोनों ऊपर, इसके संगत क्या आएगा आई और जे। ये क्या है बी पी, यहां ले लो आप, पी के संगत क्या लिया आपने आई, तो पहले यहां बी आई, और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा डेल एक्स बार पी और डेल एक्स आई, ठीक है। ऐसे ही क्यू के संगत क्या लिया हुआ है आपने जे, सी सी बार क्यू को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, क्लियर। अब इनका क्या कर दो, तीनों का क्या करने जा रहे हैं, गुणा, ये गुणा कर दिया आपने, ये गुणा की राशि आ गई। आप क्या देख रहे हैं, सब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो मींस क्या हुआ कि ए बार पी क्यू, बी बार पी, सी बार क्यू, ए आई जे, बी आई जे, सी जे के बराबर आ रहा है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी राशि को, इसी चीज को अपन जो बोलेंगे, अतः ये राशि क्या है, ये जो सवाल दिया गया टेंसरी, कई वर्षों में यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा गया है, आप इसको तैयार करें सभी। थैंक यू वेरी मच।